सबसे बड़ी लहर आई है यार वो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, मैं सनस्पीड बीच पे आ चुका हूँ। मैंने सोचा यहाँ की भी कंडीशन थोड़ी देख ली जाए, क्या सिचुएशन है इधर। तो सामने आप देख सकते हैं गुस्से से भरा हुआ अपना समुंदर। ये देखिए भाई, फायर भी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी है, आप देख सकते हैं जाग जाग वाला पानी और बहुत ही ख़तरनाक है, और काफ़ी कंडीशन ख़राब हुई है। तकरीबन दो दो तीन तीन फुट की लहरें आ रही हैं, चार चार फुट की, बहुत ही ख़तरा है। और ये हट तक पानी आ गया था इधर, ठीक है, बाहर तक। लेकिन अभी तो जैसे सुबह होती है ना, ये जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ये भी पूरा गीला हुआ हुआ है, सही है। और वो देखो एक बंदा घूम रहा है इधर, ये देखो भाई, थोड़ी सी इस तरफ से आपको दिखा देता हूँ, मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया इधर। और कंडीशन ज़रा चेक करें आप कि कितनी ख़राब हुई हुई है, बहुत ज़्यादा मच्छर है भाई इधर, बहुत ज़्यादा। बंदा खैर करे, वो वाला हट तो पूरा गिरने ही वाला होगा, वो सामने वो देख। तो व्यूअर्स, शायद आपको आवाज़ आ रही हो, इतनी ख़तरनाक आवाज़ है, इतनी ख़तरनाक आवाज़ है, ठीक है। मेरा घर तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है यहाँ से, लेकिन फिर भी वहाँ तक इसकी आवाज़ आ रही है, ठीक है, बहुत ही ख़तरनाक है। तो सन स्पीड की भी कुछ इस तरह की कंडीशन हुई है, ठीक है, कि यहाँ पे भी कंटेनर वगैरह लगाए गए हुए हैं, कि किसी को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं है। मैं जस्ट 5 मिनट के लिए आया हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं भी चला जाऊँगा। और दुआ करें कि साइक्लोन जो आ रहा है 14 की नाइट और क्या कह सकते हैं 15 के दिन को ज़्यादा ख़तरा है, और उससे पहले ही आप लोग देख सकते हैं कि आज 14 है तो क्या कंडीशन हुई हुई है अपने सी की। और 15 को पता नहीं क्या होता है, ये देखो बाहर आ गया भाई, 15 को पता नहीं क्या होता है। बस आप लोगों ने दुआ करनी कि सही सही, मतलब ये है, मतलब आके टकरा जाए और पुरसकून वापसी चला जाए, क्योंकि जो साइक्लोन आ रहा है कह रहे हैं कि बहुत ही ख़तरनाक है। इंडिया के गुजरात और पाकिस्तान के अपने इंटीरियर सिंध के कुछ इलाके हैं जहाँ पे ये आके टकराएगा, और जो बाकी नियर बाय एरियाज़ हैं उनको तो खाली करवा लिया गया है, और जो बाकी मतलब जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे आबादी ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब ऐसी वो नहीं है कि खाली करवाए, लेकिन रास्ते बंद कर दिए हैं पब्लिक के लिए, आने के लिए बंद कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे और किसी को आने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। मैं सुबह के तकरीबन 5 बजे आया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी यार देखिए न्यूज़ को जो कवरेज कर रही है वो उस तरह से कवरेज नहीं कर रही, ठीक है, न्यूज़ वाले जो हैं, ये देखे बाहर आया, न्यूज़ वाले जो कवरेज कर रहे हैं वो इतनी ख़ास नहीं कर रहे। तो मैंने ये जो अपने ब्लॉगर्स हैं यूट्यूबर्स हैं सही से कर रहे, लेकिन तरीके के साथ करें, इसलिए इनको इजाज़त दी जाए, मैं तो यही कहूँगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ की कंडीशन कुछ इस तरह है, और वो देखिए वहाँ पे तो एक इतना बड़ा खड्डा बन गया है कि मतलब बहुत गहरा होगा यहाँ पे, कि पानी की रफ्तार इतनी तेज़ है कि खड्डा करता जा रहे पानी, खड्डा बिल्कुल वहाँ पे आपको खुद नज़र आ रहा होगा पानी की रफ्तार कैसी है, क्या हिसाब किताब है, और वेव्स कितनी बड़ी बड़ी आ रही है। ये देखो ये आई, तो बस एक दो दिन का टाइम है, उसके बाद अल्लाह करे ये सही हो जाएगा, अपनी वापसी हदूद में वापसी चले जाएगा, और ये पॉइंट्स जो हैं पब्लिक के लिए दोबारा से खोल दिए जाएंगे, सही है। एक दो दिन की बात है, एक दो दिन तक सब्र कर लें, उसके बाद ये वापसी आपके लोगों के लिए खुल जाएगा। ये एक दो दिन के लिए बंद किया गया है। थोड़ी सी वहाँ से आपको कंडीशन दिखाना चाहता हूँ, वो भी आपको दिखा दूँ, उसके बाद फिर मैं भी रवाना होता हूँ, क्योंकि रूल इज़ रूल, वी मस्ट बी फॉलो, हमें रूल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि रूल हमारे लिए होते हैं,
ठीक है, लेकिन ये भी ज़रूरी था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो भाई मच्छर ने काट काट के ऐसा बुरा हाल कर दिया ना, ये पता नहीं क्या झाग झाग सी बाहर आ रही है, और जगह बहुत ख़तरनाक है यहाँ की। वो देखो वो खुदा, बस ये भी बाहर थोड़ा सा और इसको झटका लगेगा और ये बाहर आ जाएगा। ओहो आ गया बाहर, आ बाहर आएगा, बाहर आ गया, थोड़े से और झटके की ज़रूरत है इसको और ये बाहर आ जाएगा। वहाँ पे ज़रा यहाँ से कंडीशन चेक करें। ओ रेस्क्यू वाले भी इधर घूम रहे, सिंध रेस्क्यू वाले, और रात को सिंध रेस्क्यू वालों को तैनात किया गया था तमाम पॉइंट्स पर, सी व्यू, हॉक्स बे, सनस्पीड और बहुत सी ऐसी जगह जैसे जैसे मतलब हमारे बीचेस हैं वहाँ पे इनको तैनात किया गया था कि अल्लाह ना करे ऐसी कंडीशन होती है तो फटाफट आप जाके रेस्क्यू कर सके। और सी की कंडीशन तो आप देख ही सकते हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने है तो आप लोग देख सकते हैं। तो चले भी बस चलते हैं घर पे। आपने दुआ करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है कि अल्लाह पाक महफूज रखे सबको, पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को, पूरे इंडिया को। और तो आपने देखा अभी हमें तुम तो भागे भागना पड़ा यहाँ से, बहुत ही ख़तरनाक हुआ। बस आज का और कल का दिन है, अल्लाह खैर करे वो गुजर जाए, उसके बाद फिर ये नॉर्मली हो जाएगा। ओ भाई बहुत ज़्यादा सिस्टम, मैंने बताया था ना रेस्क्यू वाले भी आए हुए सिंध रेस्क्यू वाले, तो ये खड़े हुए वो, तो क्योंकि मैं खुद भी रात को गया था और मच्छर ने तो बहुत बुरा हाल किया हुआ है भाई, देख सकते हो कंडीशन। तो चले भी बस चलते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो चलते हैं व्यूवर्स, कमेंट्स में आपने आमीन लाजमी लिखना है कि अल्लाह पाक इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ट्रीट करें, ठीक है। तो चलो चलते हैं।